राजधानी जयपुर के अंदर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें जवाहर सर्किल थाने के महिला कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सभी को बता दें कि एक रिश्वत का मामला था, जिसमें 5,000 रुपए की रिश्वत की बात सामने आ रही है, और आखिरकार ये दोनों कौन है, इन सभी की तमाम जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर में एसीबी जवाहर सर्किल थाने की एक महिला और पुरुष कांस्टेबल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों कांस्टेबल पीड़ित के खिलाफ में एक दर्ज केस में राजीनामा होने के बाद मामला रफा दफा करने के लिए 5,000 रुपए मांग रहे थे। दोनों कांस्टेबल पीड़ित को बार बार फोन कर धमका भी रहे थे। इस पर पीड़ित ने एसीबी ऑफिस में शिकायत दी। इस पर एक्शन लेते हुए एसीबी ने जवाहर सर्किल थाने में ही दोनों कांस्टेबल को ट्रैप कर लिया। गिरफ्तारी से पहले सत्यावन के वक्त की बातचीत भी सामने आई, जब दोनों कांस्टेबल ने पीड़ित से कहा था कि हमसे बड़ी बड़े अधिकारी हैं, पैसा उन्हें भी देना होता है। एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि पीड़ित ने एसीबी की सूचना दी थी कि जवाहर सर्किल में उसके खिलाफ में केस दर्ज हुआ था। इसकी जांच महिला कांस्टेबल संगीता और वेद प्रकाश के पास में थी। दोनों उसे बारी बारी से फ़ोन करके पैसे मांग रहे थे, जबकि उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। राजीनामा होने के बाद भी कांस्टेबल संगीता पीड़ित को बार बार फ़ोन करके पैसे के लिए धमका रही थी। संगीता के बाद वेद प्रकाश फ़ोन करता था और फिर धमकाता था। दोनों पुलिसकर्मियों की इस धमकी से परिवार परेशान हो गया। उसने जवाहर सर्किल थाना सीआई विनोद को भी इसकी जानकारी दी और सीआई ने भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। इस पर पीड़ित ने जवाहर सर्किल थाने में तैनात दोनों कांस्टेबल के खिलाफ में इसी में शिकायत दर्ज की गई और आज दोनों को ट्रैप कर लिया गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।